नमस्कार, MI प्लस न्यूज नेटवर्क में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आइए चलते हैं आज की ताजा खबरों की तरफ MI प्लस न्यूज नेटवर्क के साथ। देवा बिजली विभाग में मास्टरमाइंड लाइनमैन इंद्रपाल यादव की मिलीभगत से नए कनेक्शन के नाम पर उपभोक्ताओं से 4,000 रुपया वसूली किया जाता है, जिसमें देवा सभासद ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन करके SDO देव कुमार से कार्रवाई की मांग की, जिसमें SDO देव कुमार ने कहा जांच की जाएगी, तथ्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जिनसे ज़्यादा पैसा लिए गए उनके पैसे वापस दिए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। हमने नया कनेक्शन अपनी लड़की का करवा रहे थे, उसके लिए वो 4,000 रुपये अजमत में लिया था और फिर भी लड़की एक महीना दौड़ी थी कि उसका कनेक्शन नहीं। आज जब सपा सब लोगों ने, जब सब लोग अच्छा हुए कर्मचारी भी, तब जाके हमारी कुछ सुनवाई हुई, क्योंकि यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। कनेक्शन करने के लिए कितने मांग रहे थे आपसे? 4,000 रुपये, 5,000 मांग रहे थे, फिर हमने 4,000 दिया, उसे चिरौरी मिलती कर। आपने किससे पैसे किसने मांगा था आपसे? 5,000 रुपये मांगा था। किसने मांगा था? लाइन मैन और ये जो है आजमत में, तो फिर हमने बड़ी चिरौरी मिलती करके फिर हमने 4,000 रुपये दिए, फिर भी कनेक्शन नहीं है। आज जब सपा सब लोगों ने, सब लोग इकट्ठा हुए, तब उन्होंने पैसा वापस किया, फिर हमारा कनेक्शन। सर, जनता को जो है नए कनेक्शन के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है। नए कनेक्शन का शुल्क 1300 कुछ रुपये है, उससे 4,000 वसूला जा रहा है। देखिए, सिंगल विंडो सिस्टम बनाया गया है, उसके लिए नोटिस बोर्ड बाहर लगा दिया गया है और पूरा रेट चार्ट बाहर लगा दिया गया है। कंज्यूमर को अपने न्यू कनेक्शन की फाइल किसी और आदमी को देने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट अपने जो ऑफिस असिस्टेंट बैठते हैं उनके पास आप फाइल जमा करिए, आगे का काम हमारा है। ये दिक्कत पब्लिक को आगे से नहीं आएगी। आप डायरेक्ट फाइल जो है ऑफिस असिस्टेंट के पास जमा करिए और उसके बाद आगे की प्रक्रिया वो हम देख लेंगे। उसमें दिक्कत थोड़ा इसलिए हो जाती है कि पब्लिक इधर उधर के चक्कर में थोड़ा पड़ जाती है, इस वजह से दिक्कतें आ जाती हैं। अब आपके लिए डायरेक्टली हमने एक विंडो बना दी है कि आप ऑफिस असिस्टेंट के पास जो है अपनी फाइल जमा करें, वहीं से जो है सब काम हो जाएगा। तो सर, आपके कार्यालय के में कार्यरत कर्मचारी यहाँ तक पहुँचने नहीं देते हैं, पहले ही से 4,000 रुपये नए कनेक्शन का शुल्क ले लिया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बाहर और परिसर के जस्ट गेट पे ही रेट चार्ट लगा हुआ है, सारी सूचना जस्ट बाहर है। किसी से मिलने से पहले वो रेट चार्ट पढ़ ले, ऐसी कोई दिक्कत कहीं किसी को नहीं आएगी। सब हमने बाहर नोटिस बोर्ड पर डिस्प्ले करवा रखा है। नए कनेक्शन के का शुल्क सर 5,000 रुपये मांगा था, उन्होंने 4,000 दे दिया। ऐसा कोई मामला है तो उसकी जांच करेंगे और जो अवैध लिया गया उसको जो है।